आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में बिजी थे, व्यस्त थे और अचानक कोई आकर अपने दुखड़े सुनाने लग गया, आपको डिस्टर्ब करने लग गया और आपने सोचा, अरे बचाओ, काश मेरा फोन बज जाए, कोई कॉल आ जाए और मैं बहाने से इससे छुटकारा पा पाऊं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल फोन पर फेक या नकली कॉल कैसे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। इस वीडियो में मैं आपको कॉल असिस्टेंट ऐप पर एक फेक कॉल करना सिखाऊंगी और इस वीडियो में मैंने एक एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल किया है जो है सैमसंग गैलेक्सी S3। चलिए एक फेक कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और आप प्ले स्टोर में खोज लेते हैं फेक कॉल। ये देखिए, ये एक ऐप है जिसका नाम है फेक कॉल एंड SMS। इस पर क्लिक कर देते हैं और इसे इंस्टॉल कर देते हैं और एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया। अब ये ऐप डाउनलोड हो रही है और अब ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। ये ऐप इंस्टॉल हो गई। अब हम ओपन के बटन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है कॉल असिस्टेंट, तो ये कॉल असिस्टेंट खुल गया। अब अगर आपको कोई कॉल करनी है तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। ये है क्विक कॉल, यानी कि आप जल्दी से फटाफट किसी भी नंबर से एक नकली कॉल यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया और एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर प्राइवेट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किससे फोन चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ मम्मी, और नीचे आप चुन सकते हैं कि आपको कितनी देर में ये कॉल चाहिए, 15 सेकंड, 30 इत्यादि। तो हम 15 सेकंड सिलेक्ट कर लेते हैं और डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये जो बटन है सैमसंग S3, ये मेरा फोन है, उसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया है कि ये सैमसंग S3 है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसी स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन मैं सैमसंग S3 ही रहने देती हूँ और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए, एक नई कॉल शेड्यूल हो गई है। 15 सेकंड के अंदर अंदर ये फोन बजना चाहिए। देखते हैं बजता है या नहीं। ये देखिए, ये फोन बज गया। इसको डिस्कनेक्ट कर देती हूँ और ये जो कॉल है ये मैंने अभी अभी फेक कॉल जो शेड्यूल करी थी ये आ गई। चलिए वापस चलते हैं। तो ये हुई क्विक कॉल की बात। अगर आप चाहें तो इस कॉल में बहुत सारे फीचर्स डाल सकते हैं, एडिशनल ऑप्शंस डाल सकते हैं। उसके लिए कॉल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कोई नाम लिख सकते हैं या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके किसी कॉन्टैक्ट को भी डाल सकते हैं। तो हम इसे फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई नाम डाल देती हूँ, जैसे कि बिग बॉस, और फिर नंबर डाल देती हूँ। कोई नंबर चूज कर लेती हूँ, जैसे कि 9123456789। यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक नकली सा नंबर डाल दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप असली नंबर भी डाल सकते हैं और फिर डन के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 6 अलग अलग बटन हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर अपनी रिंगटोन चुन सकते हैं। फिलहाल रिंगटोन साइलेंट है, पर आप चाहें तो यहाँ पर कोई चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जंगल ड्रम्स सिलेक्ट कर ली और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। फिर है वाइब्रेशन, ये पहले से ही एनेबल्ड है, लेकिन अगर आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं इसे क्लिक करके ऑन ही रहने देती हूँ। और तीसरे बटन में देखिए, आप डेट और टाइम चूज कर सकते हैं, यानी कि आपको ये कॉल कब चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक किया, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। तो हम यहाँ पर इसे शेड्यूल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चूज कर लेती हूँ, ये है आज की डेट 23 जुलाई 2014। मैं इसको वैसे ही रहने देती हूँ, सेट पर क्लिक कर देती हूँ और अब टाइम चुन लेती हूँ। यहाँ पर 7:35 है, इसको मैं
7:36 सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर इसे सेट कर लेती हूँ। और फिर ये चौथे बटन पर क्लिक किया तो आपको कितनी देर के बाद ये कॉल दोबारा चाहिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो मैं 5 मिनट कर देती हूँ। और आपको कितनी बार, यानी कि 5-5 मिनट के इंटरवल के बाद आपको कितनी बार ये कॉल चाहिए, तो मैं इसे 2 टाइम्स कर देती हूँ। फिर है, देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि कौन सी फाइल प्ले होगी जब ये फेक कॉल या नकली कॉल आएगी। आप चाहें तो कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हैं या कोई ऑडियो फाइल अपने फोन कार्ड की मेमोरी में से आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको रहने देती हूँ। आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप इस माइक के बटन पर क्लिक करके और कोई मैसेज रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं फिलहाल छोड़ दूंगी। वापस गए आखिरी ऑप्शन, यहाँ पर देखिए टॉक टाइम आपको कितना ड्यूरेशन चाहिए, उसमें हम 15 सेकंड डाल देते हैं। और आखिरी ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी S3, मेरा पहले से ये स्क्रीन जो है चुना हुआ है, तो मैं इसको रहने देती हूँ और सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये जो कॉल है ये शेड्यूल हो गई है 7:36 के लिए। फिलहाल 7:35 है, तो देखते हैं, ये देखिए ये कॉल आ गए, इसको मैंने कट कर दिया। इस प्रकार आप फ्यूचर में या भविष्य में कोई भी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और किसी भी नंबर को अपने फोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले करके अजीब सिचुएशंस में से निकल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।